नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की 87वीं वार्षिक आम सभा सोमवार को सेवा सदन चौक सेंट्रल एवेन्यू स्थित चेंबर के सभागृह में संपन्न हुई। इस मौके पर सभासदों की भारी उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र कटारिया और चुनाव अधिकारी भागीरथ मुरारका की निगरानी में चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में कैलाश चौकानी अध्यक्ष, विजय जायसवाल सचिव चुने गए व अन्य पदों पर प्रदीप जाजू वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तरुण निर्माण उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष नाथाबाई पटेल व विवेक मुरारका महासचिव, लक्ष्मीकांत अग्रवाल सह सचिव पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। गोविंद बसारी निर्वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे। संचालन मंडल में वेणुगोपाल अग्रवाल, पुरुषोत्तम ठाकरे, विपिन पनपालिया, शंकरलाल खंडेलवाल, देवकी नंदन खंडेलवाल, वसंत पालीवाल, गिरीश लिल्डिया, संजय पांडे, मनोज बागड़ी, निखिल काकानी, सुनील जेजानी, प्रशांत जग्यासी, विनोद पवार, महेश बग, विजय सराफ, विवेक उखलकर, हारिश सुनील निर्वाचित हुए। नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए कैलाश जोगानी ने व्यापारियों को अध्यक्ष चुनने पर धन्यवाद दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि नागपुर चेंबर मध्य भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आगे आने वाले 20 वर्ष उद्योग और व्यापार के लिए स्वनिर्भर समय है। भारत की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ आज $3.9 trillion की है, जो साल 2025 से 26 में $5 trillion होकर जापान को पीछे कर विश्व की चौथी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी तथा वर्ष 2030-31 में $8 trillion अर्थव्यवस्था होकर जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के सीजन यानी नवरात्र से दिवाली तक डिलाइट की आंकड़ों के हिसाब से देश में 5 करोड़ का रिटेल व्यापार होगा। उन्होंने कहा कि नागपुर में भी इसी सीजन में 5,000 करोड़ का व्यापार होगा, जिसमें रिटेल 2,000 से 2,500 रहेगा। महाराष्ट्र के वित्तीय अनुशासन पर कहते हुए कहा कि महाराष्ट्र का रेवेन्यू घाटा 3% से ज्यादा होकर कर्ज करीब 8 लाख करोड़ हो जाएगा। वित्तीय घाटा भी 1.9% हो गया। लाडली बहना जैसे प्रावधान आम जनता पर बोझ डालेगा। सरकार ने प्री फाटअप व सब्सिडी पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में बढ़ते अतिक्रमण व अस्त व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था पर भी आम जनता और व्यापारियों को हो रही कठिनाइयां बताई। उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने बच्चों पर अंकुश लगाने की सलाह दी। 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को वाहन न देना, शराब पीकर वाहन न चलाने की सलाह देते हुए रामझूला जैसी वारदात न हो, व्यापारी खुद तथा बच्चों को क्रिकेट सट्टे व डब्बे से दूर रखे। व्यापारियों को जोगाने ने कहा कि व्यापारी भी एक उपभोक्ता है, इसलिए वे उपभोक्ता के अहित का कोई भी कार्य न करे, एक स्वस्थ व नैतिक व्यापार ही करे। हर व्यापारी ने देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। सभा में बाबूभाई कादरी, दिनेश साडा, संदीप खेमका, विजय सराफ, कमल किशोर साडा, उमेश पटेल, प्रमोद बागड़ी उपस्थित थे। सभा का संचालन विवेक मुरारका ने तथा आभार प्रदर्शन तरुण निर्माण ने किया। एजीएम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अध्यक्ष आते जाते हैं पर एक चीज जो स्थिर है वो है चेंबर। ये चेंबर 90 सालों से व्यापारियों की सेवा में लगा हुआ है। वो हमारे सभी भूतपूर्व अध्यक्षों ने नागपुर चेंबर के बैनर तले व्यापारियों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है, सफल भी होते हैं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स, GST, कॉरपोरेशन या कोई भी। ये बात अलग है कि हमारी मांगों में से कुछ सुनी जाती है तो कुछ ऐसी समस्या बनकर हमारे सामने रह जाती है। पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान टैक्स पेयर व्यापारी की तरफ से हटकर ओवर बैंक की ओर ज़्यादा जा रहा है। हमारी समस्या बढ़ती जा रही है तो व्यापारियों द्वारा भरे गए टैक्स में से लोगों को मुफ्त की राहत देने का प्रमाण बढ़ गया है, क्योंकि गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। GST में सरकार रोज नए नए प्रावधान ला रही है, इससे व्यापारी का ध्यान व्यापार से हटकर इन समस्या को और ज़्यादा जा रहा है। ऐसा समय आ गया है कि व्यापारी व्यापार करे या सरकार की खाना पूर्ति, जबकि सरकार को व्यापार सरलता से करने में व्यापारी की सहायता करनी चाहिए। जो लोग ईमानदारी से सरकार के सारे टैक्स समय पर देते हैं, सरकार उन्हें ही ज़्यादा परेशान करती है। ये व्यापारी पर अत्याचार हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।